तो लास्ट में हम लोग पढ़ रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड और उसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ठीक है। कुछ लोगों ने इनका आंसर भी दे दिया था। इसमें क्या करेंगे, नंबरिंग इस साइड से करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। पैरेंट चेन की बात करेंगे तो इन पैरेंट चेन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स आर 6, सो नेम ऑफ पैरेंट चेन विल बी हेक्सेन, ठीक है। जहां पे COOH एज अ फंक्शनल ग्रुप होता है, जहां पे COOH एज अ फंक्शनल ग्रुप होता है उनको हम कहते हैं कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और इफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड है तो पैरेंट चेन का ई निकाल के वहां पे क्या लगाना है, OIC एसिड लगाना है। तो इसका नाम बनेगा हेक्सेन डैश 1 डैश OIC एसिड, सही है, क्लियर। हेक्सेन डैश 1 डैश OIC एसिड, अभी आपने ओनली OIC लिखा है, एसिड नहीं लिखा है, आपको एसिड भी लिखना होगा OIC के बाद, क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं इसका, एग्जांपल नंबर 2। चलिए एग्जांपल नंबर 2, उम्मीद करता हूं कि आपके आंसर सभी जल्दी मिलेंगे और अच्छे ही मिलेंगे। Waiting for your answers. अंकिता शायद गलत है बेटा, अंकिता गलत है, वासु गलत है, शायद गलत है, आई थिंक। उदय सही है, उदय का आंसर सही है। महावीर ओके करेक्ट, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है लेकिन हो जाएगा। चलो आगे, अब देखते हैं लॉन्गेस्ट चेन कौन सी पॉसिबल है। सो CH3 अटैच टू CH2 अटैच टू CH अटैच टू CH अटैच टू CH3 अटैच टू CH3, दिस विल बी CH2 अटैच टू CH2 अटैच टू C डबल बॉन्ड OH, दिस इज अवर मॉलिक्यूल। इन दिस मॉलिक्यूल दिस इज अ कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कार्बन के दो चेन पॉसिबल है, 6 कार्बन के दो चेन पॉसिबल है, इसको बोलूंगा X, इसको बोलूंगा Y। इफ हम X को कंसिडर करते हैं तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कितने रहेंगे, इसको हम लोग कंसीडर करेंगे तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट रहेगा 1। इफ हम वाई को एज अ पैरेंट चेन कंसीडर करेंगे तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स रहेंगे 2। तो रूल यही कहता है हम उसी को पैरेंट चेन कंसीडर करेंगे जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स मैक्सिमम है। तो एक्स वाले पैरेंट चेन में नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कम है और वाई में नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है, सो दिस चेन इज कंसीडर्ड एज अ पैरेंट चेन। क्या आपको यह समझ में आया हमने इसी को पैरेंट चेन क्यों कंसीडर किया, इसको क्यों नहीं किया, इसमें कोई दिक्कत है, अरे कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं,
वन कार्बन, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। पैरेंट चेन में सिक्स कार्बन है तो पैरेंट चेन का नाम रहेगा हेक्सेन। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट मिथाइल फिफ्थ कार्बन पे है तो दिस इज फाइव मिथाइल। यहाँ पे ये इथाइल फोर कार्बन पे है तो इसको बोलेंगे फोर इथाइल। इथाइल अल्फाबेटिकली पहले आता है तो इसका नाम रहेगा फोर इथाइल डैश फाइव मिथाइल। पैरेंट चेन का नाम हेक्सेन का ई निकाल के वहां लगाएंगे ओआईसी एसिड। ओके, एनी डाउट? इफ रिप्लाई नहीं देना होगा तो कोई बात नहीं, मैं कंटिन्यू करता हूं, पूछूंगा नहीं इसके बाद। नहीं, रिप्लाई नहीं आ रही इसलिए बोल रहा हूं मैं। बोलिए पटेल नंदिनी। देखो पटेल नंदिनी, हमारे पास दो पैरेंट चेन पॉसिबल है। इफ हम इसको एज अ पैरेंट चेन मानते हैं जिसको मैंने एक्स बोला, एज अ दूसरा हम इसको बोलेंगे वाई। तो हम एक्स को पैरेंट चेन मानेंगे तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट है और वाई को पैरेंट चेन मानेंगे तो दो सब्स्टिट्यूएंट है। रूल ये कहता है कि जिसके पास नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है, कॉम्प्लेक्स है कि नहीं वो बाद में देखेंगे। ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लेक्स होगा तो ही हम उसको पैरेंट चेन कंसीडर करेंगे, ऐसा नहीं है। सिंपली जिसके पास नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है वही पैरेंट चेन कंसीडर किया जाएगा। चलिए कंटिन्यू कीजिए। चलिए तब तक मैं कंडेंस फॉर्मूला लिख लेता हूँ। OH सी डबल बॉन्ड ओ सी एच सी एच टू सी एच सी एच थ्री एंड सी एच थ्री। दिस विल बी सी एच टू सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ अटैच टू एच। रेशियो सही है, करेक्ट। रिया पैरेंट चेन के कार्बन में गड़बड़ हो गई, एक मिनट। नहीं, रिया सही है, अंकिता पैरेंट चेन के कार्बन में गड़बड़ हो गई। अंकिता सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मार्क कर लेते हैं। पैरेंट चेन ऐसा बनाना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप के सभी कार्बन आने चाहिए, तो एक ही पॉसिबिलिटी है ये ही, दूसरा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसको हम पैरेंट चेन कंसीडर करेंगे, एक दो तीन चार पांच कार्बन है तो इसका नाम रहेगा पेंटेन। साथ में यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट है और ये ऐसा सब्स्टिट्यूएंट है जिसके ऊपर ब्रांचेस है तो इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नंबरिंग हमेशा उस कार्बन से शुरू होता है जिस कार्बन को और जिस कार्बन से पैरेंट चेन को डायरेक्टली अटैच्ड है।
नंबरिंग करेंगे एक दो तीन, एक दो तीन, दोनों साइड से सेम ही रहेगा, तो यहाँ पे ये बन जाएगा मेजर सब्स्टिट्यूएंट और ये बन जाएगा माइनर सब्स्टिट्यूएंट। माइनर सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है, ये सेकंड कार्बन को अटैच्ड है तो इसको बोलेंगे टू मिथाइल, और मेजर सब्स्टिट्यूएंट का जो नाम रहेगा ये रहेगा प्रोपाइल। समझा नहीं समझा? क्लियर है? क्लियर है? यहाँ तक सही है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नंबरिंग करेंगे लेफ्ट टू राइट, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रहेगा हमारा सब्स्टिट्यूएंट, इसका नाम बनेगा 2 methyl propyl (close) ब्रैकेट के बाद आएगा पेंटेन। पेंटेन का ई एलिमिनेट करेंगे कि नहीं करेंगे? पेंटेन का ई एलिमिनेट नहीं करेंगे क्योंकि सिमिलर फंक्शनल ग्रुप दो बार आए हैं, तो इसका नाम रहेगा 1,5-dioic acid। क्लियर है? तो ये रहेगा इसका पूरा नाम। देवर्ष क्या हुआ, कहाँ गलती हो गई? हमने लेफ्ट टू राइट नंबरिंग क्यों किया? क्योंकि इधर से ये 1 और 5 पे भी आएगा फंक्शन ग्रुप, यहाँ से भी फंक्शन ग्रुप 1 और 5 पे आएगा, दोनों साइड से फंक्शन ग्रुप का पोजीशन सेम है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट हम लेफ्ट साइड से करेंगे तो सेकंड नंबर पे आएगा और राइट साइड से करेंगे तो फोर्थ नंबर पे आएगा, और इसलिए हमने नंबरिंग लेफ्ट साइड से किया। क्लियर? आप तो इको एलिमिनेट तो नहीं किया, दिया मैंने आपको क्या बोला था, जो रूल्स कॉमन है वो फिर से नहीं बताऊंगा मैं, तो हर बार मुझे पैरेंट चेंज का डेफिनेशन फिर से बताना पड़ेगा। मैंने आपको बोला था जो रूल्स चेंज हो रहे हैं हम उन्हीं को रिपीट करेंगे, तो जो बातें चेंज हो रही है उसी को रिपीट किया है, बाकी रूल्स एज इट इज है, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे मोर देन वन सेम फंक्शनल ग्रुप होने के वजह से हम ई को एलिमिनेट नहीं करेंगे। ओके, चले आगे नंबर 4। चलिए हो जाइए शुरू। अरे बहुत सिंपल एग्जांपल, इसको भी इतना टाइम लगेगा तो कैसे होगा, कैसे डॉक्टर इंजीनियर बनोगे? वासुधंधु किया, सही है, डाय डाय आगे नहीं आएगा पीछे आएगा, वासु डाय की पोजीशन गलत है। चलिए इसका नाम हम लिखते हैं 1 2 3, दिस इज ब्यूटाइल, इसका नाम रहेगा 2-butyl, 3 कार्बन है, प्रोपेन का ई नहीं निकालेंगे, प्रोपेन का प्रोपेन ई नहीं निकालेंगे, 1,3 डायओइक एसिड, ये रहेगा इसका पूरा नामकरण। देखो चले आगे, अरे क्लियर है ये कौन है 1-butyl,
ओके, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला लिखेंगे कार्बोक्सिलेट आयन, नेक्स्ट वाला लिखेंगे कार्बोक्सिलेट आयन। सपोज हम यहाँ लिखते हैं CH3CH2C(OH), इसका नाम क्या होगा बताइए, इसका नाम क्या होगा? अरे कार्बोक्सिलिक एसिड तो रहेगा, IUPAC नेम क्या रहेगा ऋषभ? ओके, तो इसका नाम रहेगा प्रोपेन डैश वन डैश OIC एसिड, ठीक है। इसका नाम रहेगा प्रोपेन डैश वन डैश OIC एसिड, ठीक है। अब इसको सिंपली ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रोपेन प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, एनी प्रॉब्लम? पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, क्यों क्यों दोनों सही है? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है वो हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे ही आता है, मोस्टली जब एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड है तो वो फर्स्ट नंबर पे आएगा, और जब वो फर्स्ट नंबर पे आएगा तो उसका पोजीशन लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसीलिए यहाँ पे ओके पटेल नंदिनी सही है। तो इसका नाम रहेगा प्रोपेनोइक एसिड, क्या रहेगा? प्रोपेनोइक एसिड। अब ये एसिड है कि बेस है? ये एसिड है कि बेस है? इसके नाम में ही एसिड लिखा हुआ है तो एसिड ही होना चाहिए। अब ये एसिड क्या करेगा, H प्लस एन देगा, और जब ये H प्लस एन देगा तो ये बन जाएगा C(O-), ये बन जाएगा C(O-), और जब ये H प्लस एन देता है तो जब भी कोई एसिड H प्लस एन देता है, माइनस का मतलब उसने H प्लस एन को लूज किया, तो जब ये H प्लस एन को लूज करेगा साथ में OIC एसिड को भी लूज करता है और वहां पे ATE लगता है। रिपीट करता हूं मैं फिर से, हम यहां से यहां तक आ रहे हैं, इसके पास हाइड्रोजन है, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो इसने H प्लस आयन को लूज किया, जब ये H प्लस आयन को लूज करेगा तो नाम का ओइक एसिड भी लूज करेगा और वहां पे ATE लगाएंगे, क्या लगाएंगे? ATE। तो इसका नाम पहले क्या था? इसका नाम था प्रोपेनोइक एसिड, नाम क्या था? प्रोपेनोइक एसिड। इसमें से क्या निकल जाएगा? इसमें से OIC एसिड निकल जाएगा, सॉरी इक एसिड निकलेगा, क्या निकलेगा? इक एसिड, और वहां पे लगेगा ATE, तो इसका नाम रहेगा प्रोपेनोइक, इसका नाम रहेगा प्रोपेनोइक। इन केस हम इसको नॉर्मली लिखते हैं तो इसका नॉर्मली नेम आता है अल्कानोइक एसिड, इसका नाम आता है अल्कानोइक एसिड। तो अल्कानोइक एसिड है R(C)O(H), तो इसका नाम आता है अल्कानोइक एसिड। लेकिन जब ये H प्लस एन लूज करेगा तो ये रहेगा R(C)O-), तो इसका नाम जो रहेगा ये बन जाएगा अल्कानोएट, क्या बन जाएगा? अल्कानोएट, ठीक है। देखो ये अल्कानोइक एसिड उसका है जो न्यूट्रल है, ये प्रोपेनोएट उसका नाम है जो नेगेटिवली चार्ज है, तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये नेगेटिवली चार्ज है, इसके पास हाइड्रोजन है, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, इसको हम लोग एसिड मानेंगे तो इसको हम लोग कॉन्जुगेटेड बेस मानेंगे, ये हमने आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, क्लियर, समझ में आ रहा है? तो इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन, आयन इसलिए बोला क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सो दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज कार्बोक्सिलेट, नाम था अल्कानोइक एसिड और इसका नाम रहेगा अल्कानोएट। दो चार एग्जांपल देखेंगे
फिर डाउट्स देखते हैं, कुछ समझा नहीं समझा तो। सेकंड एग्जांपल, CH3 अटैच टू CH2 अटैच टू CH2 अटैच टू C डबल बॉन्ड OH अटैच टू CH3, इसका नाम क्या होगा? रेशिया बेटा लूज किया तो कम हुआ कि बड़ा? रेशिया लूज किया मतलब कम हुआ कि बड़ा? कम हुआ ना, तो कम हुआ मतलब माइनस हुआ कि प्लस हुआ? बस सिंपल, दैट्स व्हाई माइनस माइनस, माइनस का मतलब लूज किया। इसका नाम क्या रहेगा? 3-methyl-butanoic acid, सही है? तो नेम रहेगा 3-methyl-butanoic acid। इसका नाम क्या रहेगा? इसका नाम क्या रहेगा? मिथाइल लिया बेटा रेशिया 1, 2, 3, 4 ऐसे रेशिया, नंबरिंग गलत हो गया आपका। रेशिया क्लियर? ठीक है ना? इसका नाम क्या होगा? ईक एसिड निकल के एपीई लगेगा। चलो ईक एसिड को निकाल देते हैं और एपीई लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एपीई। तो इसका नाम क्या रहेगा? 3-methyl-butanoate। अरे समझा? हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, CH3 अटैच टू CH2 अटैच टू CH अटैच टू CH3 अटैच टू CH3 CH2A, दिस इज C डबल बॉन्ड O अटैच टू OH। चलिए इसका नाम क्या होगा? ये नेगेटिवली चार्ज है तो नेगेटिव, देखो ध्यान रखना है, भले ही हमको नेगेटिवली चार्ज का नाम लिखना है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यही कंसीडर करेंगे कि यहाँ पे नहीं मतलब कौन है, हाइड्रोजन। समझो पहले मैंने क्या बोला है, जब भी आपको ऐसे मॉलिक्यूल्स का नामकरण पूछा जाता है तो यही मान के चलना है कि यहाँ पे नहीं मतलब कौन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, और पहले उसके हिसाब से नॉमिनेचर करो। ठीक है, नेम क्या रहेगा? 2-ethyl-butanoate। क्लियर? सही है? ओके है? ओके गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। इस यहां तक कोई डाउट है? यहां तक किसी को कोई डाउट है पूछ लो जल्दी। है डाउट? कौन? महावीर डाउट है बेटा कि नहीं है? नो डाउट। ओके चलो आगे बढ़े। अब बताओ प्रोपेनोइक एसिड और प्रोपेनोए, प्रोपेनोइक एसिड और प्रोपेनोए कौन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है? प्रोपेनोइक एसिड और प्रोपेनोए इन दोनों में से कौन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है? कौन न्यूट्रल है? न्यूट्रल कौन है ऋषभ? कौन न्यूट्रल है? प्रोपेनोइक एसिड। ओके, कौन न्यूट्रल नहीं है? प्रोपेनोएट। तो इस प्रोपेनोएट को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज करने के लिए किसको ऐड करना होगा, कटायन को कि अनायन को? कटायन को ऐड करेंगे कि अनायन को? किसको ऐड करेंगे? कटायन को, पॉजिटिव चार्ज को। ठीक है, सपोज मेरे पास यहाँ पे प्रेजेंट है Na+ और यहाँ पे प्रेजेंट है Cl-, इन दोनों में से मैं किसको ऐड करूंगा, किसको यूज करूंगा?
एन ए प्लस को या के प्लस को या सी एल माइनस को, हम यहाँ पे किसको ऐड करेंगे, एन ए प्लस को। तो ये एन ए प्लस क्या करेगा, ये एन ए प्लस जो रहेगा वो इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबिलाइज करेगा। उसके बाद इसका ये रहेगा सी एच थ्री सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ माइनस और एन ए प्लस। क्या अब ये स्टेबल है, क्या अब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है? यस, अभी ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन इसका नाम क्या रहेगा? इफ हम इसको छुपा देते हैं तो इसका नाम क्या है, प्रोपैनोलेट। और इस प्रोपैनोलेट को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज करने का काम कौन कर रहा है, सोडियम। तो इसका नाम रहेगा सोडियम प्रोपैनोलेट, इसका नाम रहेगा सोडियम प्रोपैनोलेट। ठीक है, चलो रिपीट करता हूं, फिर से ध्यान देना है, ध्यान रखना है। ये हमारा नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है जिसका नाम है प्रोपैनोलेट। इस नेगेटिवली चार्ज को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज करना है तो हमको पॉजिटिव चार्ज को ऐड करना होगा। तो पॉजिटिव चार्ज कौन सा है, Na+। इसके ऊपर चार्ज है माइनस वन, इसके ऊपर चार्ज है प्लस वन, तो रेशियो विल बी 1:1। सो दिस विल कन्वर्टेड इनटू CH3 CH2 आफ्टर दैट C डबल बॉन्ड O अटैच्ड टू O माइनस एंड Na+। तो इसका जो नाम रहेगा ये रहेगा सोडियम प्रोपैनोलेट, इसका नाम क्या रहेगा, सोडियम प्रोपैनोलेट। अब क्लियर है, क्लियर है, इसका नाम रहेगा सोडियम प्रोपैनोलेट। ठीक है, चलो इसके एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, यस राज सही है, रेशा करेक्ट, नहीं रेशा राज गलत है बेटा, कार्बन एटम काउंट करने में गलती की रेशा, फिर से ओके। देखो इसके जगह एक सही है मान के चलते हैं, तो क्या होगा, एक दो दो कार्बन के लिए आता है इथानोइक एसिड, तो इसका नाम रहेगा इथानोएट, और इथानोएट को स्टेबिलाइज कौन करेगा, के प्लस, तो इसका नाम रहेगा पोटेशियम इथानोएट, पोटेशियम इथानोएट। क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम दो है, जिन्होंने मिस्टेक किया था क्लियर है, जिन्होंने मिस्टेक किया था क्लियर है, समझ में आ रहा है, ओके। तो आप प्रेजेंटेशन जो है मेरा, ठीक है, उसपे देखो, तो स्लाइड शो है उसमें देखो, पहला था कीटोन, दूसरा था कार्बोक्सिलिक एसिड और तीसरा था कार्बोक्सिलिक आयन। क्या तीनों क्लियर है, तीनों क्लियर है, बाकी रूल्स एज इट इज है, जो चेंज हो रहा है हम उनको ही देख रहे हैं, ऐसा नहीं है महावीर, माइनस को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप किसी को भी ऐड कर सकते हो, आप नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए किसी भी पॉजिटिव चार्ज को ही ऐड कर सकते हो, यस। इनमें गैप रहेगा प्रीत, इनमें गैप रहेगा क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच नहीं है, इसलिए इनके बीच में गैप रहेगा क्योंकि वो डायरेक्टली एस एन एस फोर को भी ऐड कर सकते हैं, कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख लेता हूँ हमेशा, ठीक है, सी एच थ्री अटैच टू सी एच टू अटैच टू सी एच टू अटैच टू सी डबल बॉन्ड ओ माइनस एन एच फोर प्लस। आप किसी भी कटाइन को ले सकते हो, नहीं उदय नहीं, ये अमाइड नहीं है,
इसका नाम क्या होगा? इसका नाम है 1 2 3 4, इसका नाम है ब्यूटानोएट और इसका नाम है अमोनियम। तो इसका नाम रहेगा अमोनियम ब्यूटानोएट, इसका नाम रहेगा अमोनियम ब्यूटानोएट। उदय नहीं, डायरेक्टली नाइट्रोजन कार्बन को अटैच होगा तो वो अमाइड बनेगा। उदय अमाइड का मतलब होता है R अटैच टू C डबल बॉन्ड O अटैच टू NH2, ये होगा अमाइड। ये और ये दोनों अलग है। ठीक है, यस। दो कार्बोक्सिलिक एसिड रहेंगे तो दो कटायन, तीन कार्बोक्सिलिक एसिड रहेंगे तो तीन कटायन, कोई बात नहीं, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, ओके, चलो नंबर 4। O माइनस अटैच टू C डबल बॉन्ड O अटैच टू CH2 अटैच टू CH2 अटैच टू C डबल बॉन्ड O Na प्लस एंड Na प्लस, इसका नाम क्या होगा? महेश्वरी राज, कार्बोक्सिलेट आयन हमेशा फर्स्ट नंबर पे ही होगा, अब देख लो। सोडियम की पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं होगी, सोडियम की पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सोडियम डायरेक्टली अटैच नहीं है, सोडियम की पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, इफ 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 ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो इसका नाम क्या होगा? Na+ के जगह आप हाइड्रोजन तो रख के देखो और देखो उसका नाम क्या हो सकता है। Na+ की जगह हाइड्रोजन तो रख के देखो और उसका नाम क्या होगा वो देख लो, क्या होगा? इसका नाम रहेगा 1 2 3 4 ब्यूटेन 1.4 डाय ओइक एसिड। सही है, सही है, ब्यूटेन 1.4 डाय ओइक एसिड, क्या ये नाम रहेगा? राज महेश्वरी आप एक कार्बन कम क्यों कर रहे हैं हरीश में? हर इसमें एक कार्बन कम क्यों कर रहे हो? कार्बन काउंट करो कितने हैं, कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4 रुशा, अब ठीक है, तो ना चार कार्बन रहेंगे तो नाम क्या रहेगा? ब्यूटेन 1.4 डाय ओइक एसिड। ये क्लियर है, ये क्लियर है, ओके। अब क्या होगा, इसने H प्लस आयन लूज किया, क्या लूज किया? H प्लस आयन, तो क्या निकल जाएगा? इक एसिड निकलेगा, क्या निकलेगा? इक एसिड, और यहां पे लगेगा ATE, तो ये रहेगा इसका नाम। देखो पहले आप हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम बनाओ और वहां से इसका नाम बनाओ तो क्लियर होगा, आप डायरेक्टली नाम बनाने चाहोगे तो गलत होगा। अब इस ब्यूटेन 1.4 ओइक एसिड को कौन स्टेबल कर रहा है? सोडियम, तो इसका नाम रहेगा डायसोडियम। समझा? अरे नहीं समझा,
ओके कितने लोग हैं एक बार देखने दो, 61 मुझे पकड़ के 61 है, ठीक है। एक आसान सा क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन आसान है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये फंक्शनल ग्रुप कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक आयन, क्या ये आपको समझ रहा है? क्योंकि आप लोगों के आंसर कम आ रहे हैं, तो इसका रीजन क्या है? समझ रहा है नहीं समझ रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? समझा है तो क्लियर लिखना है, नहीं समझा है तो नो लिखना है। समझा है तो क्लियर लिखना है, नहीं समझा है तो नो लिखना है। अब सबके आंसर क्लियर आ रहे हैं तो फिर आप रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो? ये भी जा रहा है या समझ रहा है इजीली? ये भी जा रहा है या इजीली समझ रहा है? चले आगे, 50-50 ऋषभ, कभी तो 100% हुआ कर। चलो अब मेरा आसान सा क्वेश्चन ये है कि इफ मैं यहां पे Na को निकाल के R प्लस CH3 प्लस लगाता हूं तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? पक्का? ओके चलो गुड, सही आंसर है। यहां लगा दिया मैंने CH3 अटैच टू CH2 प्लस, तो इसका नाम क्या होगा? नंबर 6, इसका नाम क्या होगा? नंबर 6 का नाम क्या होगा? नंबर 6 बेटा CH4 कैसे होगा? CH4 पॉसिबल नहीं है, CH4 प्लस। देखो CH3 रेडिकल, CH3 प्लस, CH3 माइनस, सब कुछ पॉसिबल है, ऑल आर पॉसिबल। जब बॉन्ड फ्यूजन पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। इसका नाम क्या होगा? इथाइल इथानोएट है, इथाइल ब्यूटानोएट। इसका नाम होगा इथाइल इथानोएट, इसका नाम होगा इथाइल इथानोएट। ऋषभ मिथाइलिन का मतलब होता है CH2 डबल बॉन्ड, ये वाला इसको मिथाइलिन बोलते हैं। ऋषभ इसको मिथाइलिन बोलेंगे, ठीक है। ओके चलो सपोज मैं यहां पे लगाता हूं CH3 प्लस, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? यस अल्काइल पहले ही लिखना है, पैरेंट चेन का नाम हमेशा लास्ट में होता है। यस मिथाइल ब्यूटानोएट, करेक्ट। इसका नाम रहेगा मिथाइल ब्यूटानोएट, यहां लगा दिया CH3 प्लस, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा CH3 प्लस लगाएंगे तो? ग्रेसी अल्फाबेटिकली जाएंगे, अरे इसका नाम क्या होगा? इसका इसका नाम होगा मिथाइल
अल्कैनोइड, इसका नाम रहेगा मिथाइल अल्कैनोइड, क्योंकि ये अल्कैनोइड है, क्योंकि ये अल्कैनोइड है। नहीं समझ रहा है, गलती क्यों कर रहे हो? पिनार, रेशा, महावीर, गलती क्यों कर रहे हो? जल्दी जल्दी में नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? देखो एक बार ध्यान दूंगा, मैं फिर से बता रहा हूं। सबसे पहली बात, R attached to C double bond OH, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम होगा, R का मतलब होता है N number of carbon atom, तो इसका नाम होना चाहिए alkanoic acid। जहां पे R है इसका मतलब number of carbon atom fixed नहीं है, रोल नंबर 110, क्लियर? जहां पे R लिखा है इसका मतलब उसके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम अनगिनत है, तो ऐसे टाइम पे हम ऐसा करेंगे। अब मैंने H+ आयन निकाल दिया तो क्या होगा? क्या होगा? क्या निकल जाएगा? क्या निकल जाएगा? H+ आयन को रिमूव करने से क्या निकल जाएगा? H निकल गया, तो यहां पे ईक एसिड निकलेगा और यहां पे आएगा ATE, यहां पे आएगा ATE। अब यहां तक ठीक है? यहां तक क्लियर है? ओके। इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए सोडियम यूज करेंगे, तो इसका नाम रहेगा सोडियम अल्कैनोइड। हम यहां पे पोटेशियम यूज करेंगे तो पोटेशियम अल्कैनोइड। हम यहाँ पे CH3 plus यूज करेंगे, CH3 plus, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा मिथाइल अल्कैनोइड। इसका नाम क्या होगा? मिथाइल अल्कैनोइड। यहाँ तक क्लियर है? रेशा क्लियर? ओके, चलो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? हाँ चलो, अब यहां पे मैंने इसके जगह लगा दिया CH3+, क्या लगा दिया? CH3+, ये तीनों के तीनों मिथाइल ही है, तीनों का हम बोलेंगे मिथाइल, क्या बोलेंगे? मिथाइल, ठीक है? अब ये CH3 इसको स्टेबलाइज कर रहा है, तो इसका नाम रहेगा मिथाइल अल्कैनोइड। अब मैं यहां पे लगाता हूं R प्लस, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? रेशा एकदम करेक्ट, वासु सही है, महावीर सही है, अंकिता वेरी गुड, आयुषी गलत हुआ बेटा, अमी इनकम्प्लीट है, दिया इनकम्प्लीट है, 110 गलत है, ग्रेसी गलत है, राज सही है, देवर्ष सही है। देखो R का मतलब क्या होता है? R का मतलब होता है अल्काइल, R का मतलब होता है अल्काइल। जैसे सोडियम था तो सोडियम अल्कैनोइड, पोटेशियम था तो पोटेशियम अल्कैनोइड, यहाँ पे अल्काइल है तो इसका नाम रहेगा अल्काइल अल्कैनोइड। नहीं समझा? अरे अल्काइल अल्कैनोइड समझ में आ गया? रोहन, अमी, प्रीत, नहीं समझा? अरे समझा नहीं समझा? अभी भी किसी को डाउट है? दिया सर स्पेलिंग मिस्टेक होगी, देखो आज ऊपर, क्लियर है पक्का? तो इस
इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? इसको ऐसा लिखेंगे R अटैच टू C डबल और O अटैच टू R, सही है? इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको और सिंपल फॉर्म में ऐसा लिखेंगे R अटैच टू C O O R, करेक्ट करेक्ट है, ओके चलो। तो इफ हम यहां पे लिखते हैं आर अटैच टू सी डबल बॉन्ड ओ अटैच टू आर, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा अल्काइल अल्कानोएट। इसका नाम क्या रहेगा? अल्काइल अल्कानोएट। यहां तक सही है, क्लियर है? हाँ। अब ये अल्काइल जो है वो इसके लिए है और अल्कानोएट जो रहेगा वो इसके लिए है। समझ में आ रहा है? अल्काइल किसके लिए है और अल्कानोएट किसके लिए है? कंफ्यूज नहीं होने का, अल्काइल इसके लिए है और अल्कानोएट इसके लिए है। डन। चलो एग्जांपल देखते हैं। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O अटैच टू CH3, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा करके देखो एक बार। पहली बात, ये अल्काइल किसके लिए आता है जो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है? देखो ये अल्काइल उसके लिए आता है जो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है और जो रिमेनिंग ग्रुप है उसके लिए आएगा अल्कानोएट, तो इसके लिए आएगा मिथाइल। तो इसके लिए क्या आएगा? इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 1 2 3, तो इसका नाम होगा प्रोपेनोएट। क्या होगा? प्रोपेनोएट। तो पूरा नाम क्या होगा? पूरा नाम होगा मिथाइल प्रोपेनोएट। पूरा नाम क्या होगा? मिथाइल प्रोपेनोएट। अरे कुछ समझ रहा है? समझ रहा है पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? नेक्स्ट वन, CH3 C double bond O attached to CH2 attached to CH3, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? Very good विश्वास, सही है नंदिनी, सही है रिशा, करेक्ट प्रीत, करेक्ट महावीर, करेक्ट ऋषभ, वासु, करेक्ट, very good, nice दीक्षिता, रिया, रिया गलत हुआ बेटा, आयुषी गलत हुआ, प्रीमा गलत हुआ और दिया गलत हुआ। दिया सही है, दिया सही है। देखो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा इथाइल और इसका नाम क्या होगा? इथानोएट। तो पूरा नाम क्या होगा? इथाइल इथानोएट। समझ में आ रहा है? पूरा नाम क्या होगा? इथाइल इथानोएट, सही है? अरे नहीं समझा? समझ में आ रहा है? ओके वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। H अटैच टू C डबल बॉन्ड O अटैच टू CH2 अटैच टू CH3, इसका नामकरण कीजिए। वेरी गुड, चलो बहुत सबका सही है। नीरव और वासु गलत हुआ बेटा। इसका नाम रहेगा इथाइल, एक कार्बन का नाम रहेगा मिथानोएट,
तो इसका नाम रहेगा इथाइल मिथानोएन, इसका नाम रहेगा इथाइल मिथानोएन। हाउ इथाइल मिथानोएन, मिथानोएट इसलिए क्योंकि इस ग्रुप के पास एक ही कार्बन है आयुषी, चलो इधर ध्यान दो, ये कौन था, ये कौन था, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कौन था कार्बोक्सिलिक एसिड, सही है, कार्बोक्सिलिक एसिड ही था ना ये, अरे कार्बोक्सिलिक एसिड ही था ना, हाँ ओके, ये कौन था, ये कौन था कार्बोक्सिलेट आयन, कौन था कार्बोक्सिलेट आयन, सही है, ये कौन होगा, ये कौन होगा, दिस वन, वही नहीं है, वही नहीं है, वो दिखता उसके जैसा है लेकिन सेम नहीं है। चलो एक हिंट देता हूं, हिंट ये है हमने कार्बोनिल कंपाउंड देखे थे, देखो कार्बोनिल ग्रुप वाला, कार्बोनिल ग्रुप वाला देखो, यस फोरम सही है, कार्बोनिल ग्रुप वाला देखो, कितने सारे कार्बोनिल मॉलिक्यूल देखे थे, उनमें से एक ये भी था, इसका नाम क्या होगा, देखो यस ऋषा सही है, यस नंदिनी पटेल सही है, दिया करेक्ट, तो ये है एस्टर, ये कौन है एस्टर, देखा नहीं देखा आपने, बाकी लोगों का आंसर नहीं आया, हमने कार्बोनिल कंपाउंड्स देखा था तब मैंने आपको बोला था अल्कोहल के अल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, ईस्टर क्या होता है, उसमें ये लिखा है, ठीक है, समझा नहीं समझा, तो आज हमने कितने टाइप के मॉलिक्यूल्स का नॉमेनक्लेचर देखा, कितने टाइप्स के एग्जांपल का नॉमेनक्लेचर देखा, चार देखा तीन नहीं, कौन सा, पहला है कीटोन, कौन है कीटोन, दूसरा है कार्बोक्सिलिक एसिड, तीसरा है कार्बोक्सिलेट और चौथा है एस्टर, कितने हो गए चार, स्क्रीन के ऊपर देखो, स्क्रीन के ऊपर देखो, कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलेट आयन, उसके बाद कौन है एस्टर, सही है, यहां तक हो गया क्लियर, यहां तक हो गया क्लियर, तो आज का सेशन यही पे खत्म करते हैं, मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच, ठीक है, अभी पूरे खत्म नहीं हुए, अभी तो बाकी है, अभी तक इतना ही, ठीक है।